श्रीमद् भागवत महापुराण की जहां प्रसंग चल रहा था, श्री सूत जी समझाने लगे, हे सौनकादिक ऋषियों, गौकर्ण भाई ने अपने धनकारी भाई का उद्धार किया है। अब ध्यान देंगे कि परीक्षित को भगवान की कथा श्रवण कराई गई, क्या कारण बना जो कि परीक्षित को भगवान की कथा सुननी पड़ी। परीक्षित तो राजा थे, पर राज्य छोड़ करके गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया, क्या कारण बना, विस्तार से लेकर के चलेंगे। एक समय की बात है, ये महाभारत हुआ नहीं था, ये महाभारत हुआ नहीं था, महाभारत से पहले की बात बता रहा हूं। जिस समय भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर के बहुत दूर लेके गए, एक मैदान था, उस मैदान में तीन प्राणी थे, पुरुष, उसकी पत्नी, उसका बालक। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे खेत में पानी लगा रहे थे, तो जे खांद बोलते हैं वो खांद कट गया, तो उस पुरुष ने अपनी पत्नी से कहा कि अब वो खांद कट गया तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो उस स्त्री ने मिट्टी को उठाया, मिट्टी रख दी, खांद बंद हो गया। खांद बंद हुआ, दूसरी बार फिर कट गया, उसने मिट्टी उठाई, मिट्टी रख दी, बंद हो गया। अपने पति से कहा अगर अब कट गया तो हमसे कहने की हिम्मत मत रखना। ठीक है, नहीं कहूंगा। तीसरी बार फिर कट गया खांद, और जैसे ही तीसरी बार खांद कटा तो उसने अपने पुत्र की गर्दन काटी और भाई खांद पर रख दी गर्दन। और ये दृश्य दूर से खड़े देख रहे थे अर्जुन, क्योंकि भगवान की लीला थी, वो तो दिखाने के लिए आए थे। तो अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु मैं ये क्या दृश्य देख रहा हूं, उस पुरुष ने अपने पुत्र की गर्दन काटी मार रख दी। जवाब दिया अर्जुन मैं यही दृश्य दिखाने के लिए तुम्हें लाया हूं, जितनी जो जगह देख रहे हो ये सारी जगह निर्मोही है, यहाँ किसी का मुंह नहीं है। अगर हम और आप यहाँ खड़े हो जाएंगे, अगर हमने तुमसे कुछ कहा तो मारने में संकोच नहीं करोगे, तुम हमको भी तुम मार दोगे। महाभारत का जो युद्ध हुआ वो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, और कुरुक्षेत्र के मैदान में ये निर्मोही जगह थी, फिर भी अर्जुन को मोह आ जाता था, युद्ध करते समय मोह आ जाता था। तब अर्जुन को भगवान उपदेश सुनाते, अर्जुन क्या करता है, कौन है तेरा, किसके लिए लड़ रहा है और क्यों तू रो रहा है, न तेरा कोई है, न कोई रहेगा, न कोई आएगा, केवल ये जो झगड़ा है, ये जो लड़ाई है, केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई। भगवान कन्हैया ने ये उपदेश दिए, वो ही उपदेशों की ये गीता बनाई है। महाभारत होने के बाद 18 दिन में 18 छोड़ी सेना समाप्त हो गई। सबसे ज्यादा हानि हुई तो यादवों की हानि हुई, लाशें सी बिछ गई। महाभारत होने के बाद जब खत्म होता है मानव तो पिंडदान करते हैं, तो पिंडदान करने के लिए मैया कुंती पांचों पुत्रों को लेकर के पिंडदान करने आई। तो मैया कुंती ने धर्म से कहा बेटा एक पिंडदान कर्ण के लिए कर देना। धर्म बोले मैया मैं कर्ण के लिए क्यों करूं, कर्ण हमारा घर का नहीं, खानदान का नहीं, भाई नहीं है, तो कर्ण के लिए मैं पिंडदान क्यों करूं। तब मैया कुंती बोली बेटा ये कर्ण जो है ये मेरा बड़ा पुत्र है, तो मैं नहीं पता इस कर्ण को हमने क्वारे पर जन्म दिया, मेरी शादी नहीं हुई और उस शादी से पहले हमने जन्म दिया था कर्ण को,
और लोक लज्जा के कारण हमने इसे गंगा में बह दिया था। ये मेरा बड़ा पुत्र है करण, तुमको पिंडदान करना होगा। तब धर्म बोले, मैया तेने तो मेरे साथ बहुत गलत किया। करण हमारा बड़ा भाई है। जवाब दिया, बेटा हाँ तेरा बड़ा भाई है। तब धर्म मैया कुंती से बोले, मां तेने बहुत गलत किया। क्या सुन, तूने लीनो भेद छुपाई और धोखा दे दयो मात, तूने करण वीर छुपाई। मैया भेद छुपाई, धोखा दे के दयो मात, तूने करण वीर मरवाई। जवाब दिया, मां ऐसी मां, ऐसी मां किसी की नहीं हुई जो मां तू मेरी रही। तेने मेरे साथ में छल किया है, वो क्या? अरे जो हम जन्म ते करण प्राप्त है, जो हम जन्म ते करण प्राप्त है, तो हम लड़ते ना लड़ाई, और जो के छुअते चरण करण मोए ले तो कंठ लगाई। अगर तू पहले बता देती करण हमारा बड़ा भाई है, तो मैया अपने भाई करण को मैं इस प्रकार नहीं मारता। मैया तेने बहुत गलत किया है, तुझे पता नहीं है करण हमारा इतना बलशाली भाई था, हमने मारा, हमने बद किया, वो किस प्रकार किया मुझे पता है मां। आज अगर तू पहले बता देती करण भाई के मैं जड़ स्पर्श कर लेता मैया, तो करण भाई आज मरता नहीं, आज मेरे साथ खड़ा होता। मां जैसे इतने शब्द कहे हैं तब मेरी भगवत श्रोताओं मैया कुंती रो करके बोली, बेटा जो हुआ वो तो हो गया,